एक बार फिर कोरोना ने फैलाया आतंक। आगरा में कोरोना का एक और केस मिला है। बताया जा रहा है 5 दिन में कोरोना के 4 केस मिल चुके हैं। आगरा के शाहगंज क्षेत्र में 64 साल के बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसमें संपर्क में आए परिवार सहित पड़ोसियों के सैंपल लिए गए थे। 19 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इसमें से पड़ोस में रहने वाले 60 वर्ष के बुजुर्ग की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो कोविड का वेरियंट है, जिस तरह का उसका प्रचार, जिस तरह प्रसार हो रहा है, ये एक अलार्म जरूर है। पर अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है, परंतु हम लोग को अभी भी संक्रमण से बचना चाहिए। किसी को भी जरा सा भी खांसी, बुखार, जुकाम या इस तरह का कोई सिम्टम्स हो, अपने निकटतम सेंटर्स में जाकर तुरंत जांच करानी चाहिए। जो कि हम देखें, अपेक्षित जाँचों की संख्या भी हम लोग की कम हो गई है, लोग जाँच उतनी आसानी से सहयोग भी नहीं दे रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि रेंडम में, जैसे कि कंपल्सरी वहाँ लोग तो करा रहे हैं, परंतु जो रूटीन में होनी चाहिए वो लोग नहीं करा रहे हैं। खासतौर से भीड़ भाड़े इलाकों में, जैसे ताजमहल में लोग आ रहे हैं जहां भीड़ एकत्रित होती है, वहां रेंडम में सैंपलिंग में लोग सहयोग दें। मैं जितने भी एनजीओ से और बाकी लोगों से भी कहूंगा कि सैंपलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह का संक्रमण अगर आ भी जाता है अपने जनपद में तो उनको हम चिन्हित कर पाएँ, वो आइसोलेट कर पाएँ और आगे संक्रमण से रोक पाएँ। कितने जगह जाँच हो रही है? देखिए, हमारी जितने भी नगरीय स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं 30, वहाँ पे सारी जगह हो रही हैं। इसके अतिरिक्त सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो रही है, जिला अस्पताल में हो रही है, मेडिकल कॉलेज में हो रही है, इसके अलग ताजमहल, आगरा कैंट, ISBT, आगरा फोर्ट, तीन चार जगह। एक जो तीन जो मरीज आए उनके अंदर क्या सिम्टम्स थे, मतलब पहले जैसे थे या कुछ नया थे? बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल खांसी, बुखार, जुकाम, UTI जिसे हम कहते हैं, माइल्ड सिम्टम्स थे। जो पहला केस था वो तीसरे दिन निगेटिव हुआ।